नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां से अब कृषि जिंसों की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। रूपा जी, कल शाम के कारोबारी सत्र में हमने देखा था लगभग सारी एग्री कमोडिटीज लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आई थी। क्लोजिंग होते होते सारी ही नॉन एग्री कमोडिटी में लाल निशान देखने को मिला था। खबर निकल के सामने आई कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 केसेस देखने को मिले हैं। वहीं से बात करें अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड के दिसंबर वाला देख रहे हैं, एक बार फिर से 6438 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है कल की एक लाल निशान पर ट्रेडिंग के बाद, क्लोजिंग के बाद आज जो लो लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये ओमिक्रॉन का ही असर है? देखिए, बिल्कुल जो अभी एग्री कमोडिटीज के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है वो ओमिक्रॉन का ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। सभी कमोडिटीज कल अच्छी खासी गिरावट दिखाती हुई नजर आई थी, वहीं आज कुछ कमोडिटी पॉजिटिव रुझान में भी खुलती नजर आ रही है, लेकिन उठापटक काफी है बाजारों के अंदर। जैसा कि हम पहले लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि अब इसके इम्पैक्ट के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करती है और डिमांड फैक्टर जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी उठापटक का है और बाजारों के अंदर गिरावट जो है वो हावी होते हुए भी दिखाई दे सकती है। और जहां तक कमोडिटीज की बात है तो इनमें वापस से बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है डर का माहौल, अभी स्थिति किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि बाजारों के अंदर किस तरीके की पोजीशन बनानी चाहिए। इस वजह से बाजारों में काफी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जो है अपनी पोजीशन एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा बाजार गिरावट में ही रह सकते हैं, लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निचले स्तरों पर एक बार बाउंस बैक आता हुआ नजर भी आ सकता है। जी रूपा जी, देख भी रहे हैं कि बिनौला खल जो 2800 का लेवल टच करने के बाद 2700 पर टिका हुआ था, वो भी आज 2600 पर ट्रेड करता नजर आ चुका है और अब जाके कहीं 2705 पर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंट्राडे में बिनौला खल में ऐसी उठापटक देखने को मिलती रहेगी या फिर 2700 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, लग तो रहा है कि 2700 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाएगा यहाँ से, और इसमें वापस से तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। बल्कि जो लोग चूक गए थे बाइंग करने के लिए, वो हो सकता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो, वो अब बाय करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, देख रहे हैं यहाँ से धनिया भी ओमिक्रॉन की वजह से लुढ़कता नजर आया है। हमने धनिया में 9100 के बाद सीधे 8500 का लेवल आते हुए देखा है, 8500 के बाद कल के कारोबारी सत्र में 8400 का लो लगा, अब देख रहे हैं कि 8300 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया में अभी और करेक्शन बाकी है? देखिए, बिल्कुल आज धनिया जो है एक बार हो सकता है आपको नीचे में 8200 तक के स्तर दिखा दे, क्योंकि ऊपरी स्तरों से फिलहाल बाजार लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। और धनिया की स्पेशली बात करें तो ओवरऑल तो बाजार सेंटीमेंट तो पॉजिटिव था, लेकिन अभी जो है वापिस से सारी पोजीशन एग्जिट होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से प्रेशर है और आज इंट्राडे में भी एक बार लग रहा है कि 8200 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर जीरे और हल्दी की, तो जीरे और हल्दी में भी देख रहे हैं कि नरमी बनती नजर आई है कल के मुकाबले। आपको क्या लगता है, क्या मसालों का बाजार अब कहीं कुछ उठता हुआ नजर आ पाएगा कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद या कुछ हफ्तों के बाद, या फिर ऐसे ही एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा? देखिए, मसालों में फिलहाल बहुत ज्यादा अखिलेश तेजी की उम्मीद नहीं है, छुटमुट अपसाइड बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, हमने बीते साल में देखा था कि हल्दी का जो कंजप्शन था, हल्दी की जो खपत थी, लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और अब भी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है, और जो WHO भी बता रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसे में लॉकडाउन की परिस्थितियां बनती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या हल्दी की घरेलू डिमांड निकल सकती है और हल्दी की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई नजर आ सकती है? देखिए, हो सकता है कि घरेलू डिमांड में पॉजिटिव जो है वो तेजी देखने को मिले इसके चलते, क्योंकि जैसे पीछे भी लोगों ने काफी इसको डिमांड को जो है वो बढ़ाया रहा था, और अभी भी हो सकता है कि एक डिमांड फैक्टर यहाँ से इसको लेकर पिकअप होता हुआ दिखाई दे और कीमतों को सपोर्ट मिले। लेकिन देखिए, वहीं एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइजेस हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी ये सर, रूपा जी नजर डालेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो बीते सत्र में हमने ग्वार में 6-6% की लोअर सर्किट लगते देखे थे, ग्वार गम में 6% का और ग्वार सीड में 4% का लोअर सर्किट लगता नजर आया था। उसी के साथ देख रहे हैं आज ग्वार सीड का, ग्वार गम का दिसंबर वायदा 9700 के घरों में ट्रेड कर रहा है 2.5% की गिरावट के साथ, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 5600 पर। आपको क्या लगता है रूपा जी,
क्या ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी और गिरावट बाकी है? क्या ग्वार गम और ग्वार सीड से अभी दूरी बना ली जाए? देखिए बिल्कुल दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार एकदम से, मैंने पहले भी बोला था कि अगर 10,000 के नीचे लुढ़कता है तो आपको इमीडिएट करेक्शन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, और वो हमने कल देख लिया है। 9800 का भी लेवल बाजार तोड़ चुका है, अब यहाँ पर 9500 के आसपास एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 9500 के आसपास हो सकता है इसमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिलहाल 9500 तक गिरावट जो है वो गिराती हुई दिखाई दे सकती है। और सीड की बात करें तो सीड में 5500 तक एक बार नीचे बाजार लुढ़क सकता है जी। ये सर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो एग्री कमोडिटीज में हमने कल को सोयाबीन में भी गिरावट बनती देखी थी, सोयाबीन भी लाल निशान पर क्लोज होते नजर आई थी, वहीं हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सोयाबीन में अचानक से 6500 के लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं, सोयाबीन में एकदम से तेजी बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है क्या ये तेजी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के साथ बनती रहेगी? अखिलेश देखिए सोयाबीन में तेजी ही है, हमने पहले भी बोला था कि इसमें ना बाजार जो है वो अपसाइड मोमेंटम में ही है, जो ये खबरें निकल कर आ रही थी ओमिक्रोन की उसकी वजह से एक बार थोड़ा सा दबाव आता हुआ जरूर दिखाई दिया था, और इनफैक्ट सभी कमोडिटीज लुढ़कते हुए दिखाई दिए थी, लेकिन सोयाबीन का अपना फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है, तो इसीलिए बाजार का जो है वापिस से रिकवर होना जो है वो दिखाई दिया है। और अभी इसके चलते भी अभी आप मान के चलिए सोयाबीन कोई बड़ी बात नहीं, नया हाई लगाता हुआ आपको दिखाई देगा, एडिबल ऑयल पैक में वापस से मूवमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसकी क्रॉप काफी डैमेज है और अभी मंडियों में भी माल इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन की कीमतें कंटिन्यूशन में अपसाइड में ही बनी रह सकती हैं, जिस दिन भी गिरावट आती है उस दिन बाइंग की ही स्ट्रेटेजी लेकर इसमें चला जा सकता है जी। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए बहुत सारे जिनका लगातार सवाल कमोडिटीज को लेकर आ रहा है, लक्ष्मण गोरे जी हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे बिनौला खल नीचे में कितना जा सकता है जिससे निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सके? देखिए ये निचले ही स्तर थे जो 2600 के आसपास देखने को मिला है, ये नीचे के ही स्तर हैं, इन लेवल्स के ऊपर भी खरीदारी करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, रूपा राम गोडारा जी हैं जो कॉटन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कॉटन में अभी कैसे रुझान रहेगा। रूपा जी हमने देखा कि अराइवल्स की वजह से कॉटन में अचानक से नरमी बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है क्या अभी कॉटन में ऐसी नरमी वाला रुझान रहेगा? देखिए बिल्कुल अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस जो है वो दबाव में ही रहेंगे, एक प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है, जब मंडियों में अराइवल पहुंच रहा है तो उसका इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है और ऊपरी स्तरों से लुढ़क भी सकती है, लेकिन वही ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है कॉटन का, और आप देखिए वायदा के अंदर भी अभी बाजार जो है वो तेज होते हुए दिखाई दिए हैं, जो नीचे लुढ़क रहे थे अब उनमें भी स्टेबिलिटी आती दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि अभी छुटमुट गिरावट जो है अराइवल प्रेशर के चलते इसमें बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल मैंथा ऑयल को लेकर आ रहा है, रूपा जी हमने देखा कि मैंथा में कंज्यूमर डिमांड तो वीक है लेकिन देख रहे हैं कि निचले स्तर पर आज कुछ छुटमुट खरीदारी भी बनी है, आपको क्या लगता है क्या मैंथा में ऐसे ही चलता रहेगा कि निचले स्तर पर वायदा में खरीदारी बन गई या फिर मैंथा में आगे कुछ तेजी भी बनती नजर आएगी? देखिए मुझे मैंथा में कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल पॉजिटिवनेस नहीं लगती, मेरे हिसाब से ये छुटमुट बाइंग हो सकती है जो देखने को मिल रही है, ओवरऑल ट्रेंड तो मुझे इसमें एक बार दबाव वाला ही नजर आता है जी। रूपा जी तो दर्शक हैं सुरेंद्र बेनीवाल जी जिनका सवाल बासमती राइस को लेकर है और रेहान मोहम्मद जी हैं जो 1121 चावल की पोजीशन जानना चाह रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल राइस की कीमतों के अंदर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, मुझे लगता है कि इसकी कीमतें एक बार फिलहाल नीचे करंट लेवल से अपसाइड मोमेंटम दिखाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि अभी पीछे भी हमने तेजी आती हुई देखी थी क्योंकि अच्छी खासी डिमांड निकली थी और अभी ये डिमांड आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी आप लगातार खाद्य तेलों में हाल फिलहाल में नरमी बता रही हैं कि खाद्य तेलों में आपको ज़्यादा तेजी नहीं लग रही है, इसी के साथ हमारे यहाँ पर दर्शक जुड़े हैं सादिक मोमिन जी जिनका सवाल खाद्य तेलों को लेकर आ रहा है, इनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और CPO को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि CPO में रिफाइंड सोया तेल में निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं तो क्या इन स्तर पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा, क्या रिफाइंड सोया तेल और CPO में आगे जाके तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए CPO एक बार को थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन रिफाइंड सोया ऑयल जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सुस्त है और उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 1200-1250 के आसपास ही सिमटता हुआ नजर आ सकता है, जबकि CPO में थोड़ी अपसाइड बन सकती है क्योंकि हम सरसों में और सोयाबीन में तेजी आते हुए हमें दिखाई दे रही है जी।
रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रही कि सोयाबीन रोकें या बेच दें। विनोद विश्वकर्मा जी हैं। देखिए, सोयाबीन को अभी रोक कर चल सकते हैं जी, सोयाबीन को रोक ही लें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी इतनी ऊंची कीमतें भी नहीं हुई हैं, अभी कुछ कीमतें और बढ़ जाएंगी अगर आप लोग ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे सोयाबीन को, तो सोयाबीन में अभी रूपा जी की स्टॉक करके चलने की सलाह रहेगी। रूपा जी, बनवारी लाल जी हैं जो ग्वार गम के बारे में जानना चाह रहे हैं। अखिलेश, देखिए, ग्वार में अभी गिरावट है और ग्वार में थोड़ा सा प्राइसेस जो है और नीचे जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से अभी ग्वार को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और दूसरी एक और बात क्लियर करना चाहूंगी कि अखिलेश, हमारी तरफ से सोयाबीन में फिलहाल स्टॉक करने की कोई भी सजेशन नहीं है। जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है वो जरूर होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा प्राइसेस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इन लेवल्स पर स्टॉक करना काफी रिस्की भी हो सकता है, इसलिए हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक करके चलने की जी। रूपा जी, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये जानना चाह रहे हैं कॉटन के बारे में, क्या कोई चांसेस हैं कि कॉटन 10,000 का लेवल भी दिखा दे? देखिए, 10,000 का तो फिलहाल स्तर के अभी कोई चांसेस बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे जी। रूपा जी, अभिषेक जी हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकर फिर से आया है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आगे जाके कॉटन में तेजी देखने को मिल पाएगी कीमतों के अंदर? देखिए, छुटमुट अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबी तेजी नहीं है जी। रूपा जी, बात करें अगर गेहूं की यहाँ से, तो हमारे पास काफी सारे सवाल भी पहले आ चुके हैं कि वीट के ऊपर कुछ बताएं, रूपा जी से पूछें। रूपा जी, हमने गेहूं के निर्यात में, गेहूं के एक्सपोर्ट में काफी अच्छी तेजी आती देखी है, पिछले 7 सालों के उच्च स्तर पर गेहूं का निर्यात इस बार जाता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई है, क्योंकि भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि वीट का जो प्रोडक्शन है लगातार साल दर साल पर रिकॉर्ड उत्पादन ही देखने को मिल रहा है। पिछले साल का उत्पादन देखते हैं तो इस साल ज्यादा देखने को मिलता है, साल दर साल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रखी हैं भारत सरकार ने, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या गेहूं के जो कीमतें हैं आगे जाके कुछ तेजी के साथ देखने को मिल सकती हैं? देखिए, मुझे फिलहाल गेहूं की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि गेहूं की कीमतों में ना तो कोई बहुत ज्यादा गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है और ना ही कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम फिलहाल यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है जी। रूपा जी, मोनू जैन जी हैं जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये इनका सवाल है कि सरसों में कैसी स्थिति बनी रहेगी अभी? देखिए, अभी छुटमुट अपसाइड आ सकता है, लेकिन अराइवल प्रेशर के चलते आगे चल के सरसों में थोड़ा सा दबाव भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी भी एडिबल ऑयल पैक जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं जी। रूपा जी, हमारे साथ आसाराम जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे कि बिनौला खल में कितनी गिरावट आ सकती है और कौन से लेवल पर लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी करके चलना सही रहेगा? देखिए, लंबी अवधि की अगर आप बात करते हैं और गिरावट, देखिए गिरावट तो 2400 तक मैक्सिमम इसका डाउनसाइड है, जो पहले भी लेवल थे वहां तक बाजार जा सकता है और तेजी जो है वो 3000 तक बन सकती है जी। तो यानी कि पहले जो लेवल हमने देखे थे बिनौला खल में 2400 तक के, रूपा जी के अनुसार बिनौला खल वहां तक जा सकता है नीचे में, और ऊपर में रूपा जी के अनुसार लंबी अवधि में बिनौला खल 3000 तक के भी स्तर दिखा सकता है। रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे आज, वो कौन सी टॉपिक्स रहेंगी एग्री कम्युनिटीज की आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छी खरीदारी और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, आज मुझे लगता है कि अगर सोयाबीन के अंदर अभी फिलहाल जो है वो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और सोयाबीन के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोयाबीन में आज अच्छी खरीदारी बन सकती है, सोयाबीन में खरीदारी करके निचले स्तर पर चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। Thank you.